तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टक्सर डाटा कार्ड के दूसरे मॉडल के बारे में। इससे पहले हमने यूएसबी टाइप वाला जो डाटा कार्ड आता है टक्सर का, उसकी अनबॉक्सिंग की थी, इसका फर्स्ट इंप्रेशन देखा था एंड सभी बातें की थी इस डोंगल के बारे में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में ऐड कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टक्सर के दूसरे मॉडल के बारे में, जो टर्बो U2 मॉडल नंबर इसका है TZWD02। तो इसकी करेंगे आज अनबॉक्सिंग एंड देखेंगे इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होने वाला है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन देखेंगे, स्पीड देखेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या आपको ये बाय करनी चाहिए या फिर किसको बाय करनी चाहिए एंड किसको इग्नोर कर देनी चाहिए। तो ये सभी बातें होने वाली हैं इस वीडियो में। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो स्पेसिफिकेशन इस बॉक्स पर मेंशन किए हुए हैं। तो अगर हम बॉक्स पैकिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैकिंग में हमें ये दोनों डोंगल मिलती हैं। तो यहाँ पर सोनिक 300X एंड मॉडल नंबर 01 है एंड यहाँ पर टर्बो U2 02 मॉडल नंबर है। तो अगर हम बैक साइड पर देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ दोनों डोंगल आती है, बस इसमें हमें 2100mAh की बैटरी मिल जाती है, सिमिलर जो हमें टेंडा की डाटा कार्ड मिलती है एंड यहाँ पर USB टाइप होने के कारण हमें कोई भी बैटरी लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी सभी के सभी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है एंड एक और डिफरेंस आ जाता है, हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड सिम कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है एंड इसमें मैक्रो सिम लगाने का ऑप्शन मिलता है। MRP यहाँ पर रेट मिल जाता है 6000 एंड इसका मिल जाता है 4299 का। तो साइड बाई साइड भी आप देख सकते हो सभी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस यहाँ पर हमें बैटरी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा टाइट पैकिंग में ये डोंगल है। तो ये रही हमारे पास बैटरी एंड इसके अलावा वही हमारे पास क्विक स्टार्ट गाइड होगी। यस ओके, यहाँ पर एक छोटी सी डाटा केबल मिल जाती है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़रा बढ़िया है एंड इसके अलावा जो हमारे पास USB टाइप थी डोंगल उसमें हमें स्टैंडर्ड सिम कार्ड लगाने का ऑप्शन मिला था एंड इसमें हमें मैक्रो सिम कार्ड को कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है एंड जो यूज़र मैनुअल गाइड इसके साथ मिली है उसमें भी हमें जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट मेंशन किए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अगर आपको इसको रीड करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप रीड भी कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम इसके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये डोंगल, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो इसके प्राइस को देखते हुए अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की ये डोंगल लगी मुझे। बटन की क्वालिटी अच्छी है, 2399 का इसका प्राइस है, अमेजोन पर आपको ईजिली मिल जाएगी ये डोंगल। तो अगर इसकी बैटरी की बात करें तो 2100mAh की बैटरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास टेंडा डाटा कार्ड है एंड टेंडा डाटा कार्ड में जो बैटरी लगी हुई है मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर वही बैटरी इसमें भी मिल रही है। तो अगर मैं साइड बाय साइड इसका कंपैरिजन करता हूँ तो ओके, तो आप देख सकते हो सिमिलर वही हमें यहाँ पर बैटरी मिल जाती है जो टक्सर डाटा कार्ड में मिलती है, वही सिमिलर बैटरी टेंडा डाटा कार्ड में भी है। तो ये रही हमारे पास टक्सर डाटा कार्ड के साथ आने वाली बैटरी, तो इसको मैं लगाता हूँ हमारी टेंडा डाटा कार्ड में। ओके, देखा तो इजीली यहाँ पर फिट हो चुकी है। मैंने हुआवी वोडाफोन एंड टेंडा डाटा कार्ड को बाय किया बट किसी भी डाटा कार्ड में मुझे जो बैटरी है टेप के साथ नहीं मिली, इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये बैटरी बिल्कुल भी यूज नहीं की गई। इसी बैटरी को इस टेंडा डाटा कार्ड में लगाता हूँ तो देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा इजीली फिट हो चुकी है। तो मैं अभी इसको करता हूँ बूट अप, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मेरी टेंडर डाटा कार्ड है चलने लग पड़ी है। तो जो बैटरी बैकअप होगा वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, मतलब इसका क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हमें कंपैरिजन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि टेंडर डाटा कार्ड का जो बैटरी बैकअप है सेम है या नहीं। तो इस डाटा कार्ड के अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इसको ओपन करने का, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो।
तो यहाँ पर मैं इस कटर की हेल्प के साथ इसको ओपन कर पाया हूँ। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा इसको ओपन करने का। यहाँ पर हमें सिर्फ एक सिम कार्ड को लगाने का ऑप्शन मिल रहा है एंड इस डाटा कार्ड को रीसेट करने का। मॉडल नंबर आप देख सकते हो, SSID देख सकते हो, Wi-Fi की जो हमारा पासवर्ड है एंड यूज़र नेम आपका एडमिन है एंड पासवर्ड भी एडमिन है। एंड इसके अलावा यहाँ पर इनपुट लिखी हुई है 5 वॉट एंड 2 एम्पेयर की एंड जो आपका IP एड्रेस है यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। तो चलो जल्दी से इसको कर लेते हैं फर्स्ट बूट अप। सीरियसली मैं बताऊं, बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस था इसको ओपन करने का। ओके गाइस, यहाँ पर हमारे स्मार्टफोन में VA का सिम कार्ड लगा हुआ है एंड अभी हम स्पीड टेस्ट करेंगे इस स्मार्टफोन में। तो सेम सिम कार्ड को इस डाटा कार्ड में लगाएंगे एंड फिर देखेंगे कि हमें स्पीड में कुछ डिफरेंस मिला या नहीं। तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट शुरू करते हैं, हियर वी गो। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी इस डाटा कार्ड के साथ, उसमें जो स्पीड मिली थी उसका कंपैरिजन प्लीज़ इस डाटा कार्ड के साथ मत करना, क्योंकि जिस टाइम पर मैंने इस डाटा कार्ड के साथ वीडियो बनाई थी उस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 5 या फिर 6 बज रहे थे शाम के। तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, 9:59 हो चुके हैं। तो टाइम के कारण भी आपको जो स्पीड है कम या फिर ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन दोनों का अभी कंपैरिजन मत करना मेरी पहली वीडियो देख के एंड ये वाली वीडियो देख के। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एंड सेम टाइम पर इन दोनों डोंगल का कंपैरिजन करूंगा, स्पीड टेस्ट करूंगा एंड फिर देखना कि हमें किस में ज़्यादा बढ़िया स्पीड मिलती है। बट फिलहाल के टाइम आप सिर्फ एंड सिर्फ ये कंपैरिजन कर लेना कि हमें स्मार्टफोन में क्या स्पीड मिली, तो वही सिम कार्ड को अगर हम इस डाटा कार्ड में लगाते हैं देन हमें क्या स्पीड मिलती है। तो यहाँ पर 3.63 की हमें डाउनलोड एंड 130 की जो अपलोड स्पीड मिली है एंड अगेन एक बार टेस्ट कर लेते हैं फिर देखते हैं हमें क्या स्पीड मिलती है। हियर वी गो। राइट, यहाँ पर हमें 5 Mbps की स्पीड मिल रही थी एंड कम ओके 2 पॉइंट पर चली गई है और कम हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर रात के टाइम पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक होने के कारण इतनी ज़्यादा कम स्पीड मिल रही है। उस दिन आपने देखा जो 20 Mbps के अप्रॉक्स चली गई थी मेरे इंटरनेट की स्पीड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 Mbps की जो अपलोड स्पीड यहाँ पर मिल रही है। ओके 11-12 हो जा रही है। ओके 12 एंड 13। ओके तो यहाँ पर 1.88 की जो डाउनलोड स्पीड एंड 13.5 की जो अपलोड स्पीड मिल चुकी है एंड सेम सिम कार्ड को हम लगाने जा रहे हैं इस डाटा कार्ड में। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो मैक्रो सिम कार्ड इजीली यहाँ पर लग चुका है। चलो अभी करते हैं इसको फर्स्ट टाइम बूट अप, हियर वी गो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमें 3 इंडिकेशन लाइट मिल जाती है। यहाँ पर पर्पल कलर की जो नेटवर्क की लाइट है, ब्लू कलर की वाईफाई की एंड ग्रीन कलर की यहाँ पर बैटरी की इंडिकेशन लाइट मिल रही है। बट SMS की अगेन इस डाटा कार्ड पर भी हमें कोई इंडिकेशन लाइट नहीं मिल रही, जैसे हमें इस USB टाइप में नहीं मिली थी। तो ओके गाइस, यहाँ पर हम कनेक्ट हो चुके हैं इसी डाटा कार्ड के साथ। तो करते हैं स्पीड टेस्ट शुरू, हियर वी गो। तो देखते हैं हमें क्या स्पीड मिलती है इस डाटा कार्ड में अगर हम सिम कार्ड को लगाते हैं। तो वाव गाइस, यहाँ पर काफ़ी ज़रा इंटरेस्टिंग स्पीड है, 6.7 के अप्रॉक्स चली गई थी यहाँ पर, फिर भी काफ़ी ज़रा अच्छी स्पीड है। जो हमें स्पीड मिल रही थी इस टाइम पर इस स्मार्टफोन में, वही सेम स्पीड मिल रही है इस डाटा कार्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोडिंग स्पीड भी काफ़ी ज़रा अच्छी है, 7-8, वाव अच्छी स्पीड है। तो गाइस अगर देखा जाए, इसी टाइम पर हमने स्पीड टेस्ट किया था इस स्मार्टफोन में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीड मिल रही है इस डाटा कार्ड में। तो गाइस अच्छी स्पीड है, तो अगेन स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस आपने स्पीड टेस्ट देख लिया, काफ़ी ज़रा बढ़िया स्पीड हमें मिल रही है इस डाटा कार्ड में। तो अभी हम बात कर लेते हैं किसको ये बाइक कर लेनी चाहिए एंड किसको इग्नोर कर देनी चाहिए। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप ये डाटा कार्ड बाय कर सकते हो।
फर्स्ट वो पर्सन इसको बाय कर सकता है जिसका बजट कम है, एंड टेंडा डाटा कार्ड आप बाय नहीं कर सकते। आप ये डाटा कार्ड बाय कर सकते हो, आपको 2400 से लेके 2500 के प्रॉक्स मिल जाएगी अमेज़ॉन पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हो। तो अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप टेंडा डाटा कार्ड या फिर हुआवी की डाटा कार्ड बाय कर सको, तब आप इस डाटा कार्ड को बाय कर सकते हो। तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं इस डाटा कार्ड में जिसको देख के मैं आपको कहूँ कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो। तो अच्छी लगी मुझे डाटा कार्ड, तो जो इसकी बैटरी है वो तो अच्छी होने ही वाली है, 2100 mAh की बैटरी है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4-5 आवर तक आप इसको नॉन स्टॉप यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी ज़रा बढ़िया बात है, जिसको देख के आप इसको बाय कर सकते हो। आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप इसको बाय कर सकते हो। तो गाइज़, आने वाले दिनों में मैं टेंडा वर्सेस टगजर का कंपेरिज़न करने जा रहा हूँ, इन दोनों का भी कंपैरिजन होगा, एंड इसके अलावा टगजर वर्सेस हुआवी डोंगल का भी कंपैरिजन मैं इस चैनल पर लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर कर दूंगे, बट स्टिल अगर आपके दिल में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेके, या फिर जितनी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दी है किसी भी वीडियो को लेके, अगर आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके सवाल का, आपके क्वेश्चन का मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। इस की वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो जहाँ पुराने हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।